नमस्कार दोस्तों, बांस की लकड़ी से, जी हाँ, बांस की लकड़ी से करें किसी भी स्त्री पुरुष लड़का लड़की के तन मन को अपने काबू में, उनके तन मन में अपना घर बनाए। याद रहे कि इस उपाय को जो मानसिक रूप से बीमार है इंसान, जो मेंटली रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि ये उपाय सीधा इंसान सामने वाले इंसान के मन के और दिमाग पर असर करता है, तो आप कदाचित भी कोशिश यही करें कि कोई मानसिक रूप से पीड़ित इंसान पर इस वशीकरण टोटके को ना करें। अवॉइड करना है, कदाचित भी नहीं करना है। आपको इसके लिए जो सामग्री चाहिए वह चाहिए बांस की लकड़ी, यानी कि बैम्बू, बांस की लकड़ी, पुरानी बांस की लकड़ी होनी चाहिए। आसानी से आपको मिल जाएगी, बांस कहीं भी मिल जाता, दुनिया के हर कोने में मिलता। और एक मिट्टी का दीपक, एक मार्कर और लाल कलावा, यानी कि लाल मूली या लाल धागा ले सकते हैं। बांस की लकड़ी होना अनिवार्य, ये बहुत सी पुरानी मिल जाए, अगर किसी, मान लीजिए किसी मंदिर से अगर ये मिल जाती है तो और ज्यादा असर है, दार है। आपको इससे जुड़ी सावधानियां वह पहले जान लेनी है, वीडियो को अंत तक देखें। इससे जुड़ी सावधानी यही है कि आपको 24 घंटे के अंदर शराब, मांस, अंडे आदि का सेवन नहीं करना, ज्यादा दिन का नहीं कह रहा, सिर्फ 24 घंटे। अवॉइड करना शराब, मांस, अंडे आदि को किसी से 24 घंटे के दौरान, अपने चाहे साथी के साथ शारीरिक संबंध न बने। 24 घंटे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी से झूठ न बोले, दगा ना रहे, और 24 घंटे हमेशा, मैं तो कहता हूँ दो दिन के लिए कोशिश करेंगे, नहा धोकर स्वच्छ होकर इत्र वगैरह लगाकर खुशबूदार रहें, ठीक है। अब आपको उस इंसान के बारे में विचार करना है सबसे पहले, तो जिसको आप वशीकरण करना चाहते हैं। 5 मिनट 2 मिनट के लिए आप ध्यान, अंतर ध्यान करें। उसका चेहरा जब भी आपको स्पष्ट, एकदम स्पष्ट हंसता हुआ दिखाई देने लग जाए, जिस पे आप टोटका कर रहे अंतर ध्यान करने के बाद, तो उसकी तस्वीर बनाए। तस्वीर कैसे भी निर्मित करें, लेकिन ऐसा है कि प्रतीक होना चाहिए कि वह स्त्री है या पुरुष है, जैसे ये लड़के की तस्वीर है, प्रतीत होना चाहिए। उसके बाद उसी के कदमों में उसका नाम लिख देना है, उसी के बाद उसी के नाम के नीचे आपको उसकी उम्र लिख देनी है। नाम और उम्र होना जरूरी है, क्योंकि उसके नाम के या उसकी तस्वीर के जिसके विचार किए आपने, और भी हो सकते हैं वैसे इंसान, तो इसलिए ये थोड़ा अनिवार्य है। उसके बाद बस 4 शब्दों का एक छोटा सा मंत्र लिखना है, तन 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 दो बार, फिर वश्य मन, तन तन वश्य मन, इसका 51 बार जाप भी कर दें, अति उत्तम रहेगा। बस इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, उससे पहले मेरा हमेशा आपसे एक कहना रहता है कि चैनल पर नए अगर आप हैं तो सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल होता तो आप कमेंट की बजाय सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, जिससे कि आपको उत्तर देने में आसानी रहेगी, ठीक है। उसके बाद लाल कलावा आप किस दिन करना है, सबसे पहले बाहर जान लीजिए, रविवार या मंगलवार। अब जो लोग सुबह करना चाहते तो ब्रह्म मुहूर्त में करें, अन्यथा फिर रात्रि के 11 बजे की बात करनी है। समय दो ही रहेगा, या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या रात्रि के 11 बजे के बाद। बस इतना सब करने के बाद आपको क्या करना है कि लाल कलावे से इसे अच्छे तरीके से, इस तरीके से लपेट देना, लकड़ी का अंश भी नहीं दिखना चाहिए। अब मैं अगर पूर्ण लपेटने लगूंगा तो वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, और समय किसी के पास नहीं, खास करके मेरे पास। तो इसे अच्छे से लपेट कर अपना व्यय उसका नाम लेकर इस दीपक के ऊपर से 11 बार घुमाना है, या आप घर के बेडरूम में भी कर सकते हैं। अब इसको लेकर जाना है 24 घंटे के दौरान, बस उस 24 घंटे के अंदर अंदर ये काम होना चाहिए, चाहे वह क्या भी समय हो। आपको एक पीपल का वृक्ष देखना, उसकी जड़ों में जाकर इसे गाड़ना है, उस दीपक को वहां जला कर आना है, और एक जल का पात्र लेकर जाए, वहां जल चढ़ाए। वहां आपको 2 दिन और जल चढ़ाने जाना है, इसका असर 24 घंटे में ही हो जाएगा, लेकिन आपको इतना सा करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपका कार्य हो गया, आपने आगे काम नहीं किया, इस कार्य के बारे में जिक्र किसी से नहीं करना। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और आप उसका उचित समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी व्हाट्सअप करें, कॉन्टैक्ट नंबर सब नंबर देंगे। इसके साथ आपसे चर्चा हुआ, धन्यवाद।